वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का मेहनत ट्रफिशियल यूट्यूब चैनल पर सो so, आप लोगों ने होली सेलिब्रेट कर ली होगी है ना होली का फेस्टिवल चल रहा है दो दिन से कॉन्टिन्यू हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अभी भी होली का एक तरीके से वो वाइफ जो है वो चल रहा है ना सो वस अगेन वेरी हैप्पी होली टू एवरी वन चलिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था लास्ट सिक्स मंथ का है ना जिसमें से इसका पार्ट वन हम लोगों ने कर लिया और आज हम क्या करेंगे इसका सेकंड पार्ट करेंगे और फिर कल से हमारा डेली जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो हम डिस्कस करेंगे ठीक तो जो रिमेनिंग हमारे लास्ट टू सिक्स मंथ के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम क्या करेंगे आज की क्लास में रिवाइज करेंगे ओके सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी जितने भी लोग कनेक्ट हुए एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की कि मार्च मंथ में कौन कौन सी बैच स्टार्ट हो रही है तो अगर हम बात करें आ, एस एस सी के बैच की है ना तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है फर्स्ट ऑफ मार्च से तो आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं बैच ऑलरेडी आपकी चल रही है इसके अलावा नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट होगी वो फिफ्टीन ऑफ मार्च से स्टार्ट होगी बट ये आपका बैंक का होगा है ना और फिफ्टींथ ऑफ मार्च को बैंक की दो बैच स्टार्ट हो रही है एक आपका बाइलिंग्वल में होगा दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे दूसरी जो बैच स्टार्ट हो रही है वो आपका इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में होगा तो आप अपने बैच के अकॉर्डिंगली मतलब मीडियम के अकॉर्डिंगली कि आपको बाइलिंग्वल में पढ़ना है या फिर इंग्लिश और बंगाली में पढ़ना है इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं इनरोल करवा सकते हैं बैच स्टार्ट हो रही है फिफ्टींथ ऑफ मार्च से ठीक है आप इनरोल कैसे करवा सकते हैं महेंद्रास की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है वहां पर विजिट करके बहुत ही इजी वे में आप इनरोल करवा सकते हैं बहुत ही इजी वे में आपका एडमिशन हो जाएगा ओके ओके सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थाट ऑफ द डे की हमारा आज का मॉर्निंग थाट क्या है तो एक बहुत ही अच्छा सा थाट हमने लिया है दैट इज यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं जड़े नहीं है ना अगर आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही है किसी ना किसी तरीके से आपको वहां तक पहुंचने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी मंजिल मत चेंज करिए है, है ना अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले किसी एग्जाम को आपने टारगेट बनाया वो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है आपने चार पांच बार अटैम्प्ट किया बट वो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टारगेट चेंज कर दें आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं बैंक क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप एसएससी की तरफ स्विच कर जाए आप क्या करिए कि आप जो एक तरीके से आप जो ट्रैक फॉलो कर रहे हैं ना आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आपका रास्ता है आप उसमें देखिए कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं कहाँ पर कमी कर रहे हैं ना तो आप उसको चेंज करिए मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है आप उसको चेंज करके देखिए तो हो सकता है आपको जो आपकी मंजिल है वो जल्दी मिल जाए तो कभी भी अगर आपको मंजिल नहीं मिलती है तो मंजिल को बदलने की जगह आप क्या करिए आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं ना अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए स्टार्टिंग से फिर फिर से आप स्टार्ट करिए ठीक है और देखिए कि कहाँ कहाँ पर कमी रह गई है और उसको फॉलो करते हुए फिर से आप वो इंप्लीमेंट करिए तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी तो यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलिए है ना ना कि ये नहीं कि आप मंजिल ही बदल दें क्योंकि जो वृक्ष है ये हमेशा अपनी पत्तियां बदलता है जड़ नहीं बदलता है क्लियर हो गया तो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे या फिर बहुत ही मार्जिन से रह जा रहा है तो आप कभी भी स्विच मत करिएगा कि चलो इसमें नहीं हो रहा है दूसरा एग्जाम ट्राई कर लेते हैं आपको क्या करना है आपको अपनी स्ट्रैटजी चेंज करनी है आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रैटी में कहाँ पर कमी है कहाँ पर आप कमी कर रहे हैं ना उसको आइडेंटिफाई करके फिर से आपको क्या करना है नई स्ट्रैटजी बना के उसको फॉलो करना है ओके तो इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब तक हमारा ये होली का फेस्टिवल चल रहा है तब तक सभी लोग चैंपियन है किसी एक को टॉप वन टॉप टू टॉप थ्री टॉप फाइव टॉप फिफ्टीन इन सब का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली हमारी क्लास में आते हैं डेली क्लास को अटेंड करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक और आंसर भी कॉमेंट करते हैं ना वो सभी क्या है हमारे चैंपियन है और विनर है सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी आप सभी क्या है हमारे चैंपियन है एंड विनर है और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले क्वेश्चन का जो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे अब पर स्टार्ट करेंगे चलिए जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज टू डे कॉन्क्लेव कमरेटिंग यूनिवर्सल कवरेज डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आपको बताना है जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उन्होंने निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिवर्सल कवरेज के उपलक्ष्य में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया आप लोगों को याद होगा जो यूनिवर्सल कवरेज डे है है ना जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यूनिवर्सल कवरेज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के ओकेजन में वो कौन सा शहर है जहाँ पर दो दिन का एक कॉन्क्लेव क्या किया गया था ऑर्गेनाइज किया गया था जल्दी से कॉमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा वाराणसी कानपुर लखनऊ या फिर नोएडा ओके सो वेरी वेल डन एवरीवन इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी है ना सो so यूनिवर्सल जो आपका ये कवरेज डे है है ना इसके उपलक्ष्य में दो दिन का कॉन्क्लेव क्या किया गया था ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पर वाराणसी में तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वाराणसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है इसका जो एडिशन है है ना ये कौन से स्टेट में इनग्रेट किया गया गोवा गुजरात आंध्र प्रदेश या फिर केरला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर नाइन्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हैज बिन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्या वो गोवा है गुजरात है आंध्र प्रदेश है या फिर केरला ओके वेरी वेल डन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा कहां पर ये ये ऑर्गेनाइज किया गया गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया वेरी वेल डन एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश रिसेंटली आपको बताना है हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है विराट कोहली रोहित शर्मा के राहुल या फिर ईशान किशन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हु हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा ओके सो वेरी वेल डन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईशान किशन सो so, ईशान किशन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज हु पब्लिश्ड द बुक मिराकल्स ऑफ फेस योगा आपको बताना है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया झुम्पा झुमपला मानसी गुलाटी अरुंधति रॉय या फिर चेतन भगत मिराकल्स ऑफ फेस योग यह जो बुक है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया किसके द्वारा पब्लिश किया गया ओके सो वेरी वेल डन एवरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मानसी गुलाटी क्या है करेक्ट आंसर मानसी गुलाटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली ही नेम्ड दिस एयरपोर्ट आफ्टर विच पर्सन ये जो मोपा एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है ये नॉर्थ गोवा में है आपको बताना है इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया मनोहर पारिकर सुषमा स्वराज अरुण जेटली या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओके सो वेरी वेल डन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोहर पारिकर है ना किसके नाम पर रखा गया इसका नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया नेक्स्ट वन इज सेवंथ एडिशन ऑफ द नेवल स्पेसीज फोर्सेज एक्सरसाइज संगम ये जो संगम एक्सरसाइज है है ना ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया ये भी आपका गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था आपको बताना है ये जो संगम एक्सरसाइज है, है ना ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई गई आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये संगम एक्सरसाइज गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया जल्दी बताइए और ये कैसी एक्सरसाइज है ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है है ना इंडियन नेवी और कौन सी कंट्री की नेवी ने मिलकर इस संगम एक्सरसाइज को गोवा में कंडक्ट कराया करायासिया जापान यूएसए फ्रांस क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा ओके सो वेरी वेल डन जनपन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए सो ये आपका यूएसए नेवी और इंडियन नेवी के बीच में कंडक्ट कराया गया नाम क्या है संगम एक्सरसाइज ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली आपको बताना है हाल ही में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया तमिलनाडु गुजरात आंध्र प्रदेश केरला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसका इनग्रेशन कहाँ पर किया गया इज इट तमिलनाडु इज इट गुजरात इज इट आंध्र प्रदेश और इज इट केरला जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओके सो वेरी वेल देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला है ना सो so, केरला इज दी करेक्ट आंसर इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसका इनग्रेशन केरला में किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज है फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर आपको बताना है स्वास्थ्य सेवा की आसान पहुंच के लिए किन राज्यों ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है असम उड़ीसा केरला मेघालय क्या होगा इसका आंसर

लॉन्च किया है जल्दी से बताइए इनमें से कौन से स्टेट ने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है तमिलनाडु गुजरात आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना क्लाइमेट चेंज मिशन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज मिशन को जिस स्टेट ने लॉन्च किया है उसका नाम है तमिलनाडु है ना तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज अ न्यू ट्रेन दैट इज काशी तमिल एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव आपको बताना है इनमें से कौन सी इनिशिएटिव के पार्ट के फॉर्म में जो हमारे अश्विनी वैष्णो जी हैं रेलवे मिनिस्टर हैं इन्होंने एक नए ट्रेन को जो काशी तमिल संगम है इसको इन्होंने लॉन्च किया है मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव या फिर श्रेष्ठ भारत क्या होगा इसका आंसर ओके सो वेरी वेल देन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आजादी का अमृत महोत्सव सो so, आजादी का अमृत महोत्सव इज द करेक्ट आंसर विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च वनीकरण प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है उनको रिस्टोर करने के लिए ये जो वनीकरण प्रोजेक्ट है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया मतलब हमारे जो नेचुरल वेजिटेशंस है है ना जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन से स्टेट ने वनीकरण प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है तमिलनाडु गुजरात आंध्र प्रदेश केरला क्या होगा इसका आंसर ओके वेरी वेल डन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला है ना सो केरला बिलवीदी भी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट दैट इज राशिद रोवर आपको बताना है ये राशिद रोवर जो है लूनर एयरक्राफ्ट इसको कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है राशिद रोवर जो एक अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट है इसको कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया इराक यूनाइटेड अरब इमायरेट्स पाकिस्तान या फिर सऊदी अरबिया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब इमायरेट्स सो यूनाइटेड अरब इमायरेट्स इज द करेक्ट आंसर एंड वेरी वेल डन हैप्री वन में से बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर द एथ एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है एडिशन कौन सा है एट्थ एडिशन है आपको बताना है ये ये जो इस फेस्टिवल का एडिशन है ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया वाराणसी भोपाल अहमदाबाद मुंबई क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए जो एट्थ एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये आपके कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया ये भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर Which airline has been awarded the Safety Performer of the Year award by the GMR Delhi Airport award for being the top performer among the self handling airline? आपको बताना है self handling airlines में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस airline को GMR Delhi Airport द्वारा Safety Performer of the Year पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्या वो Indigo है वो Air India है Spice Jet है या फिर Go First है क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए इनमें से कौन से एयरलाइन को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वेरी वेल डन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पाइस जेट क्या है करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर इज इज द द ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग इंडियन एक्टर इज एमंग एट पीपल हु विल टेक फ्लाइट अराउंड द मून ऑन अ स्पेस शिप आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अभिनेता उन आठ लोगों में से एक है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर चारों ओर उड़ान भरेंगे राज आनंद अनुष्का सेन निधि भानुशाली या फिर देव जोशी आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर एक प्रोग्राम आता है बालवीर है ना टीवी पर एक प्रोग्राम आता है एक शो आता है बालवीर और उसके जो लीड एक्टर है उनका नाम क्या है देव जोशी है ना तो ये इसका आंसर क्या होगा वही होगा देव जोशी बालवीर के जो लीड एक्टर हैं देव जोशी इनको उस आठ में से एक पर्सन सेलेक्ट किया गया है जो मोन पर जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटेंडरी बेपोर उरू बेपोर ये एक तरीके का बोट है और इसको रिसेंटली जी आई के लिए अप्लाई किया गया है आपको बताना है ये जो बेपोर उरू है जो ये बोट है ये कौन से स्टेट में पाया जाता है जिसको जी आई के लिए अप्लाई किया गया है उड़ीसा बिहार केरला या फिर तमिलनाडु <coughs> जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओके सो वेरी वेल डन एवरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला है ना कहाँ गया ये है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला सो so, केरला विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ टोबैको फ्री जोन रिसेंटली आपको बताना है इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि इनका जो प्रेमिसज है इनका जो कैंपस है वो कंप्लीटली टोबैको फ्री है एम्स पटना एम्स जोधपुर एम्स डेली या फिर एम्स भुवनेश्वर क्या होगा इसका आंसर जल्दी से कॉमेंट करके बताइए

पीएम विकास स्कीम आपको बताना है इस विकास में है ना ये जो विकास है इसमें एस का मतलब क्या होगा संभव संकल्प शस्त्र या फिर संवर्धन क्या होगा करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम चेंज करके पीएम विकास स्कीम रख दिया गया है विकास का भी एक फुल फॉर्म है है ना तो इस विकास में एस का मतलब क्या होगा ये आपसे पूछा गया है ओके सो वेरी वेल डन एब्री वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संवर्धन है ना एस का मतलब क्या है एस का मतलब है संवर्धन और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन है ना पीएम विकास का फुल फॉर्म क्या है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन चलिए वेरी वेल डन एब्री वन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन दर्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड प्लेड एट दी एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु कर्नाटका आपको बताना है जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड का जो तीसरा एडिशन हुआ था है ना इसमें इंडिया ने कौन सी कंट्री को हराकर कर ये टाइटल अपने नाम किया है और ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था कर्नाटका के बेंगलुरु में जो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था तो जल्दी से बताइए इंडिया ने कौन सी कंट्री को कौन सी टीम को डिफीट करके ये टाइटल जो तीसरा टी वर्ल्ड कप है फॉर ब्लाइंड पीपल इसको अचीव किया है इस टाइटल को जीता है श्रीलंका नेपाल पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश ओके सो वेरी वेल देन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश सो बांग्लादेश इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द मोस्ट रिटर्न अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022 डिस्प्लेसिंग द जमाइक लीजेंड उजैन बोल्ड फ्रॉम द टॉप लिस्ट मतलब आपको बताना है इनमें से वो कौन एथलीट है जिनके बारे में 2022 में सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखा गया है एंडरसन पीटर्स नीरज चोपड़ा जस्टिन गैटलिन या फिर अभिनव बिंद्रा क्या होगा इसका आंसर ओके सो वेरी वेल डन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा सो so, नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ फैमिली पहचान पत्र फॉर रेजिडेंट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको बताना है हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो जो फैमिली पहचान पत्र है, है ना इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको बताना है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए ये फैमिली पहचान पत्र इंट्रोड्यूस तो किया गया है न्यू दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ओके सो वेरी वेल डेन एप्रीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर सो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज इन विच सिटी डस पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द गृह प्रवेश प्रोग्राम आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी में नरेंद्र मोदी जी ने गृह प्रवेश प्रोग्राम को लॉन्च किया है अगरतला अहमदाबाद कोहिमा एजवाल क्या होगा इसका आंसर ओके okay, सो so well इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगरतला सो so, अगरतला इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्कॉर्पियन सब मरीन ऑफ प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव का जो पांचवा स्कॉर्पियन सब मरीन है उसका नाम क्या है सो प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव की पांचवी स्कॉर्पियन पंजुबी का क्या नाम है आई एन एस कलावरी आई एन एस खाजेरी आई एन एस वागीर या फिर आई एन एस खरन क्या होगा इसका आंसर

छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश अब इसमें आप लोगों के बहुत सारे आंसर आएंगे बहुत से लोग उत्तर प्रदेश बताएंगे बहुत से लोग मध्य प्रदेश बताएंगे है ना और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश अगर हम यूपी की बात करें तो जो आपका ऑनलाइन गेम की रैंकिंग हुई थी है ना कि कहां पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम आपके परफॉर्म किए जाते हैं उसका आंसर यूपी होगा ठीक है तो कंफ्यूज मत होइएगा तो यहाँ पर आंसर यूपी नहीं होगा आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश नेक्स्ट वन इज विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ मिनी स्नैक ब्रेक्स एंड पेरेंट काउंसलिंग सेशन इन ऑल स्कूल आपको बताना है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सभी स्कूलों में मिनी स्नैक ब्रेक और माता पिता परामर्श सत्र शुरू करने का फैसला लिया है महाराष्ट्र दिल्ली, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश और आप लोगों ने पढ़ा था अभी हम लोगों ने रिवाइज किया था प्रीवियस क्लास में ब्रेकफास्ट स्कीम है ना जल्दी से ये भी तुरंत कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सी स्टेट ने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है ना और किस स्टेट ने एक एंड मिल्क स्कीम को लॉन्च किया है ये भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए और इसके अलावा अगर हम मैंने स्नैक की बात करें तो इसको डेली के द्वारा क्या किया गया है लॉन्च किया गया है और इन दोनों का आंसर जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वन द टाइटल ऑफ दू थाउजेंड ट्वेंटी टू फीफा वर्ल्ड कप आपको बताना है किस देश ने फीफा विश्व कप दो हजार बाईस का खिताब जीता है पुर्तगाल फ्रांस अर्जेंटीना ब्राजील अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इस बार ये कहाँ पर हुआ था ये आपका कतर ने होस्ट किया था है ना किसने होस्ट किया था कतर में ये होस्ट किया गया था जीता किसने है तो अर्जेंटीना ने है ना तो फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल इस बार किसने जीता है अर्जेंटीना ने इस टाइटल को जीता है वेरी वेल डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द टाइटल ऑफ द टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का खिताब किसने जीता है ग्रेटा थुनबर्ग जो बाइडन व्लादमीर जेलेंस्की या फिर एलॉन मस्क ओके सो वेरी वेल डन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्लॉदमिर जेलेंस्की है ना सो so, व्लॉदमिर जेलेंस्की ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली 2022 के लिए किसे एज अ वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है गोब्लिन मोड गैस लाइट परमाक्राइसिस या फिर होमर क्या होगा आंसर ओके सो वेरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गॉबलिन मोड है ना इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश बाई इंडिया सेलिब्रेटेड इन विच लोकेशन ऑन सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो फिफ्टी फर्स्ट मैत्री दिवस है, है ना? ये आपका जो बांग्लादेश और इंडिया का जो भी मतलब इनके बीच में जो टाइप है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहा पर सेलिब्रेट किया गया छत्तोग्राम ढाका खुलना या फिर शाइल क्या होगा इसका आंसर ओके सो वेरी वेल जन एपीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ढाका है ना ये कलर आप लोगों को एक्चुअली दिख नहीं रहा है मैं लिख दे रही हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ढाका है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड आपको बताना है नौवीं विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ हैदराबाद भोपाल गोवा या फिर पुणे ओके सो वेरी वेल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑन थाउजेंड दिसंबर 2022 पराक्रम दिवस ये आपका जो कि फिफ्थ दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया पंजाब गुजरात महाराष्ट्र या फिर राजस्थान और आपको यहां पर कमेंट करके ये भी बताना है कि, कि किसके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान ओके सो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रेंच फूड प्रोडक्ट हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस आपको बताना है हाल ही में किस फ्रांसीसी खाद्य उत्पाद को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया किमची कॉस्कॉस या फिर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा फ्रेंच प्रोडक्ट है जिसको यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दिया गया ओके सो वेरी वेल एन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैगवेट है ना इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है बैगवेट ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रिसीव दैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड और इसको बैंकों का ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है, है ना तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसको बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड वेरी वेल देन एब्री इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैनरा बैंक ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है कैनरा बैंक कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या किया गया सम्मानित किया गया चलिए नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टार्टअप हैज वन दर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 और इनवायरमेंट के फील्ड में इसको ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है ठीक है सो अर्थ शॉर्ट प्राइज टू ये कौन से स्टार्टअप को दिया गया खेती मार्ग दक्ष या फिर समर्थ और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वेरी वेल एन एवरी वन दैट इज खेती है ना सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा खेती ये जो स्टार्टअप है खेती इसको ये अर्थ शॉर्ट प्राइज से क्या किया गया सम्मानित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022 आपको बताना है इनमें से कौन सी टीम है जिसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता है मध्य प्रदेश चेन्नई महाराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र और जल्दी से मुझे अब बताइए कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताना है इस साल का जो रणजी ट्रॉफी है है ना ये किसने जीता है कौन सी टीम ने रणजी ट्रॉफी को जीता है और अभी रिसेंटली जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था है ना ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था इसको किसने जीता है ओके और इसके अकॉर्डिंगली आप आपको बताना है फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था इसको कौन सी टीम ने जीता है ठीक और आईसीसी वर्ल्ड कप ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था इसको कौन सी टीम ने जीता है इन सब का आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट्स करके बताइए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सौराष्ट्र ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है सौराष्ट्र ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच मिनिस्ट्री हैज इनोग्रेटेड अ थ्री डे स्वर धरोहर फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली आपको बताना है किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में तीन दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखिए स्वर धरोहर फेस्टिवल किससे रिलेटेड है हमारे जो कल्चर और हेरिटेज है है ना जो हमारी विरासतें हैं उससे रिलेटेड है तो कौन सा मिनिस्ट्री होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम है ना और वर्ल्ड का जो पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है ये कहाँ पर इनाग्रेट किया गया कहाँ पर लॉन्च किया गया सूरत हैदराबाद मुंबई दिल्ली क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इंडिया का जो पहला गोल्ड ए है इसको कहां पर लॉन्च किया गया सूरत हैदराबाद मुंबई दिल्ली ओके सो वेरी वेल डन एवरी वन इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद ठीक है कहां पर इसको इनोग्रेट किया गया कहां पर लॉन्च किया गया इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया ओके नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज दॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम फॉर प्रोमोटिंग लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट जो लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट है है ना उसको प्रोमोट करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा या फिर केरला ओके सो वेरी वेल जनपरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी क्या है करेक्ट आंसर यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द द फॉलोइंग मेट्रो हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट आपको बताना है डबल डेकर वायडक्ट को कंस्ट्रक्ट करके इसका निर्माण करके इनमें से कौन सी मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लखनऊ मेट्रो दिल्ली मेट्रो कोलकाता मेट्रो या फिर नागपुर मेट्रो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी से मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर बताइए पहला क्वेश्चन ये है कि डी ये जो आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है रिसेंटली इन्होंने इंडिया का जो मतलब इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये जल्दी क्या करेंगे जो हमारी कंट्री का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप है है ना उसको ये क्या करेंगे लॉन्च करेंगे तो उस ऐप का नाम क्या है ठीक है ये आपको क्या करना है कमेंट करके बताना है दूसरा आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट ने आ, डबल डेकर जो हमारा डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस है है ना इसको लॉन्च किया है आपको बताना है कौन से स्टेट ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस को क्या किया है लॉन्च किया है दोनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कॉमेंट करके बताइए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागपुर मेट्रो ठीक है क्या है करेक्ट आंसर नागपुर मेट्रो इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स इन विच सिटी आपको बताना है भारतीय सेना ने शहर में सैनिकों के लिए अपनी पहली थ्री प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बताइए इंडिया का पहला थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर है इंडिया का जो पहला प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये आपका कौन से स्टेट में या फिर कौन से सिटी में है ठीक है इसका आंसर क्या होगा ओके सो वेरी वेल डेन एवरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अहमदाबाद ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ सारे का आंसर आप लोग कमेंट करके बताते रहिए चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज हैजगेनाइज बिजली उत्सव इन द दक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम आपको बताना है असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सी कंपनी ने बिजली उत्सव को ऑर्गेनाइज किया रेन्यू पावर जेएसडब्ल्यू एनर्जी एनडीपीसी लिमिटेड या फिर आरईसी लिमिटेड क्या होगा इसका आंसर ओके वेरी वेल जन एवरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर ई सी लिमिटेड ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आर ई सी लिमिटेड इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड फेज ऑफ दी साड़ी फेस्टिवल साड़ी फेस्टिवल दैट इज विरासत बिगिंस इन विद सिटी ऑन थर्ड टू सेवनटीन जनवरी 2023 साड़ी महोत्सव विरासत है ना ये जो विरासत है ये क्या है ये साड़ी महोत्सव है साड़ी की जो आपकी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं जो अलग अलग फैब्रिक्स होती हैं उसको एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया एग्जिबिट किया गया प्रदर्शित किया गया तो आपको बताना है इसका जो दूसरा फेज है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया चेन्नई न्यू दिल्ली मुंबई या फिर अहमदाबाद ओके सो वेरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू डेली किया गया न्यू डेली में ऑर्गेनाइज किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनोग्रेटेड द 100 मीटर सियोम ब्रिज है ना आपको बताना है सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो सियोम ब्रिज है इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया और ये जो सियोम ब्रिज है है ना ये कहाँ पर है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है ना अरुणाचल प्रदेश में जो आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये सियोम ब्रिज है और इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया और ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर तो इस 100 मीटर सियोम का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ब्रिज कहां पर है तो ये अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में है ठीक है वेरी वेल डन एवरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजनाथ सिंह है ना क्या है करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज अब जल्दी से मुझे बताइए ये जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है इसका नाम क्या है 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 ना ना ये ये जो जो इसका 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 नाम क्या है? इसका नाम 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 क्या क्या गंगा गंगा विलास विलास वाराणसी उत्तर प्रदेश तो दिब्रुगढ़ नसम आपको बताना है ये जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है गंगा विलास इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया द्रौपदी मुर्मू नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी या फिर हरप्रीत सिंह हरदीप सिंह पुरी क्या होगा इसका आंसर ओके सो वेरी वेल जैन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा इसको क्या किया गया लॉन्च किया गया ठीक है ओके नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन आपको बताना है कौन सा देश हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है अगर हम पहले की बात करें तो किसने लॉन्च किया था जर्मनी ने लॉन्च किया था है ना अगर हम पहली कंट्री की बात करें तो जर्मनी ने लॉन्च किया था और दूसरी कौन सी है चाइना है ना और रिसेंटली इंडिया ने भी कहा है कि इसको बहुत ही जल्द इंडिया भी इस ट्रेन को क्या करेगी लॉन्च करेगी ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा चाइना विल बी दी करेक्ट आंसर

ओके okay, सो so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा क्या है करेक्ट आंसर उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर सो उड़ीसा के जग्गा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज बिन इनाग्रेटेड आपको बताना है वर्ल्ड का जो पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम है इसको कहाँ पर इनाग्रेट किया गया तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश केरला ओके okay, सो so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला है ना इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है केरला नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द स्काई गेजिंग इवेंट इन डेलीज इंडिया गेट आपको बताना है दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म और स्काई गेजिंग इवेंट का उद्घाटन किसने किया जी के शांति जी अर्जुन राम मेघवाल मीनाक्षी लेखी या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत क्या होगा इसका आंसर एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया जी किशान रेड्डी अर्जुन राम मेघवाल मीनाक्षी लेखी या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत ओके सो वेरी वेल डन एवरीवन इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन राम मेघवाल है ना अर्जुन राम मेघवाल इसे करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम इन द स्टेडियम हैज बीन आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर आपको बताना है ये जो स्टेडियम है इसको किस फ्रीडम फाइटर यानी कि किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस बिरसा मुंडा या फिर विनायक दामोदर सवारकर क्या होगा इसका आंसर ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिरसा मुंडा सो so, बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस स्टेडियम का नाम रखा गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा मुझे आप लोग बताइए जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताइए जनजातीय गौरव दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिगन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट ने रिसेंटली कास्ट सर्वे को स्टार्ट किया ठीक है और दूसरा आपको बताना है माइग्रेंट सर्वे एक स्टेट ने कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया और एक स्टेट ने माइग्रेंट सर्वे क्या किया कंडक्ट कराया तो अगर हम कास्ट सर्वे की बात करें तो इसका आंसर होगा बिहार है ना इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बिहार और अगर हम माइग्रेंट सर्वे की बात करें तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से अभी कमेंट करके बताइए कि क्या होगा कौन से स्टेट ने माइग्रेंट सर्वे को कंडक्ट कराया इंडिया का वो कौन सा पहला स्टेट है जिन्होंने प्रवासी सर्वेक्षण को आयोजित किया नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज हुजीन कॉन्फ्र विद द असम स्टेट्स हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैवो फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर ट्रीटमेंट में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनमें से किसको असम का जो हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है असम वेब हो उससे सम्मानित किया गया डॉक्टर वी जी सोमानी डॉक्टर ई ईश्वर रेड्डी डॉक्टर पी वी एन प्रसाद या फिर डॉक्टर तपन सैकिया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है है ना डॉक्टर तपन सैकिया इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज विच रेलवे स्टेशन हैज बिन अ फाइव स्टार ईच राइट स्टेशन आपको बताना है इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को फाइव स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से क्या किया गया है इनको सम्मानित किया गया है किसके द्वारा फसाई के द्वारा क्योंकि ये अपने पैसेंजर्स को क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं क्या वो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है क्या वो इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्या वो वाराणसी कैंट है या फिर वो न्यू डेली रेलवे स्टेशन है वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो अपने पैसेंजर्स को क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करता है इस वजह से फसाई ने उनको ईट राइट स्टेशन फाइव स्टार का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी कैंट ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या है वाराणसी कैंट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा है ना

तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका त्रिपुरा एंड फोर्थ वन इज नागालैंड चौथा जो ऑप्शन है ये है आपका नागालैंड अब जल्दी से मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेघालय मणिपुर त्रिपुरा या फिर नागालैंड और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर है ना इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूनाइटेड स्टेट आपको बताना है अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है हीमा कोहली इंदिरा बनर्जी मनप्रीत मोनिका सिंह या फिर इंदू मल्होत्रा क्या होगा आंसर ओके सो वेरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनप्रीत मोनिका सिंह सो so, मनप्रीत मोनिका सिंह ये पहली फीमेल सिख जज बनी है यूनाइटेड स्टेट की नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनग्रेटेड दी ट्वेंटी यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटका व्हाट इज द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल आपको बताना है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वेंटी सिक्स नेशनल यूथ फेस्टिवल इसका क्या, क्या किया इन्होंने इनग्रेशन किया पर कर्नाटका में आपको बताना है है इस फेस्टिवल का थीम क्या यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विकसित युवा विकसित भारत या फिर नन ऑफ दीज क्या होगा इसका आंसर ओके सो वेरी गुड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विकसित युवा विकसित भारत जब यूथ डेवलप होंगे तभी तो हमारा इंडिया डेवलप करेगा है ना पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत चलिए इसका आंसर बताइए हॉकी इंडिया हैज लॉन्च न्यू मेटावर्स मेटावर्स इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड है ना तो हॉकी इंडिया ने एक नया मेटावर्स प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है हॉकी वर्स फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द मिन्स वर्ल्ड कप इन ये जो आपका मिन्स वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का है ना ये कहाँ पर हुआ भुवनेश्वर एंड कटक भुवनेश्वर एंड राउर केला संबलपुर एंड राउर केला या फिर संबलपुर एंड कटक क्या होगा इसका आंसर वेरी वेल डेन एपरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भुवनेश्वर एंड राउर केला. सो भुवनेश्वर एंड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज नेम दर्सन हु क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई टाइपिंग कॉपीज ऑफ एटी वन बुक्स बैकवर्ड विच इज कॉल्ड मिरर टाइपिंग आपको बताना है मिरर टाइपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनमें से किसको दिया गया है मिरर टाइपिंग का मतलब जो उल्टी टाइपिंग करते हैं ना मिसल सेंटाग्लिया जियजिया अरमानी बोथ वन एंड टू नन ऑफ दिस क्या होगा आंसर वेरी वेल डन एवरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिशेल सेंटाग्लिया और ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मार्क कर लीजिए अब आते हैं पर विच ऑफ दर्गेनाइज गंगा सागर मेला ऑन मकर संक्रांति आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट ने मकर संक्रांति के ओकेजन पर गंगा सागर मेला को ऑर्गेनाइज किया असम कर्नाटका वेस्ट बंगाल या फिर छत्तीसगढ़ वेरी गुड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल सो वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड है फोर्टी फाइव 4500 पेनाल्टी 12 12 किक्स के लिए इनमें से कौन से स्टेट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है केरला आंध्र प्रदेश उड़ीसा या फिर तमिलनाडु और आपको ये भी बताना है कि इसके पहले ये रिकॉर्ड कौन सी कंट्री के पास था ओके सो वेरी वेल डन एवरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला है ना क्या है करेक्ट आंसर केरला इज द करेक्ट आंसर हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू बी पोस्टेड ऑन अ प्रोजेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन वो आ, पहली विमेन ऑफिसर हैं जिनको बी आर ओ ने फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए क्या किया है आप पोस्ट किया है है ना पुनीता अरोड़ा मिताली मधुमिता सुरभि जखमोला या फिर प्रिया सेमवा क्या होगा आंसर वेरी वेल जन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुरभि जखमोला है ना सो सुरभि जखमोला इज द करेक्ट आंसर विच स्टेट हैज इमर्स एज द टॉप लोकेशन फॉर मोबाइल गेमर्स अकॉर्डिंग टू द इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट और इसका आंसर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था इसका आंसर क्या होगा यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द कांती वेलुगु इनिशियेटिव इन खम्भम डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य ने खम्म जिले में कांती वेलुगु पहल का दूसरा चरण शुरू किया तेलंगाना केरला उड़ीसा या फिर तमिलनाडु ओके सो वेरी वेल जन एबरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना सो so, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली एडिशन ऑफ द केरला लिटरेचर फेस्टिवल हैज इन केरला आपको बताना है हाल ही में केरल साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण केरला के कोजी में संपन्न हुआ फिफ्थ सिक्स सेवंथ या फिर एट्थ आपको एडिशन बताना है ओके सो वेरी वेल डन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्स्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनिया गुआजारा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ विच कंट्री रिसेंटली इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके लिए एक नया मिनिस्ट्री नया मंत्रालय बनाया है तो उस नए मंत्रालय की जो पहले मिनिस्टर बनी है सोनिया गुआजाजारा उनका नाम क्या है उनका नाम है सोनिया गुजाजारा है ना आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने ये नई मिनिस्ट्री बनाई है और इसका आंसर क्या है ब्राजील सो ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बने रलाज बिन डिक्लेय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया आपको बताना है केरला के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है कन्नौर वायनाड कोजिकोड कोल्लम और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोल्लम क्या है करेक्ट आंसर कोल्लम इज द करेक्ट जो आंसर नेक्स्ट वन इज हैज सेकंड फेज़ ऑफ़ दिस संसद खेल महाकुंभ 2022-23 इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ उत्तर प्रदेश आपको बताना है जो सेकंड फेज है संसद खेल महाकुंभ इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया यूपी के बस्ती में सो so, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ आनंदी बेन पटेल या फिर पीयूष गोयल और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी सो so, नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुई रिलीज बाई दर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स शाहरुख खान सलमान खान अक्षय कुमार या फिर आमिर खान क्या होगा करेक्ट आंसर ओके सो वेरी वेल गन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शाहरुख खान सो शाहरुख खान इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज कम्प्लीटली शिफ्टेड टू एन ई गवर्नेंस मोड आपको बताना है कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में स्थानांतरित हो गया है तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, नागालैंड जम्मू एंड कश्मीर और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट वन इज अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट हैज स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ आपको बताना है आ, ये जो रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट है ये छत्तीसगढ़ के कौन से नेशनल पार्क में स्पॉट किया गया फाइंड आउट किया गया है इंद्रावती नेशनल पार्क कांगेर वैली नेशनल पार्क गोगा नेशनल पार्क या फिर मॉलिंग नेशनल पार्क और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांगेर वैली नेशनल पार्क सो so, कांगेर वैली नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज विच स्टेट्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इशूड एंड ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट मैंस्टुअल एंड मैटर्निटी लीव फॉर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी में जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मैंस्टुअल और मैटर्निटी लीव प्रोवाइड करने का एक तरीके का रूल कौन से स्टेट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है मतलब वहाँ पर जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मैंस्ट्रुअल और मैटर्निटी लीव प्रोवाइड की जाएगी गोवा केरला हरियाणा या फिर पंजाब और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला है ना चलिए नेक्स्ट वन इज व्हिच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन वाराणसी कैंट भोपाल रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन या फिर देहरादून रेलवे स्टेशन सो वेरी वेल देन एवरीवन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन नेक्स्ट वन इज इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ट इन व्हिच सिटी भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जाएगा कोलकाता मुंबई पुणे कोची ओके okay, सो so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे सो पुणे इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल आपको बताना है एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल का जो थर्ड एडिशन है इनमें से कौन से स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया त्रिपुरा वेस्ट बंगाल नागालैंड मणिपुर Okay, so very well done everyone. इसका जो आंसर है है वो नागालैंड. नागालैंड so, नागा की पहली भारतीय अमेरिकी गवर्नर कौन बनी है अरुणा मिलर शांति कुमारी सोनिया गुआजाजारा मनप्रीत मोनिका सिंह ओके okay, सो so वेरी वेल well डन एवरी वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणा मिलर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट विल मेन मैरिंग गर्ल्स अंडर फोर्टीन भी बुक्ड अंडर पॉक्सो एक्ट आपको बताना है किस राज्य में चौदह साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा गुजरात बिहार असम हरियाणा और इसका जो करेक्ट आंसर करे, है वो है असम क्या है करेक्ट आंसर असम इज द करेक्ट आंसर सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे लास्ट सिक्स मंथ के उसको हम लोगों ने दो पार्ट में रिवाइज कर लिया और आते हैं अब हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है रिनोमड सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्कल्चर ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन उड़ीसा आपको रिवर का नाम बताना है ठीक है तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेसन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे ठीक है बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह साढ़े छह बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में जिसमें हम डेली करंट अफेयर को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे सो so, टिलन बबाई का इस टेक केयर थैंक यू सो मच